दोस्तों कस्तूरबा स्कूलों में जो वैकेंसी आ रही है शिक्षकों की, ये संविदा भर्ती है, ठीक है। यानी 1 ईयर का एग्रीमेंट टाइप का होगा, और फिर अगर उनको लगेगा कि आपकी ज़रूरत है तभी वो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं ज़रूरत अगर उनको लगेगा तो फिर किसी न किसी बहाने से आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ये वैकेंसी जो है आपको अपने ज़िले के आधार पर चेक करनी होगी, यानी पूरी कंप्लीट एक साथ वैकेंसी नहीं निकाली गई है, हर ज़िले में आपको देखना होगा ज़िले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं हैं, बीटीसी वाले एलिजिबल नहीं हैं, बीएड प्लस आपका यूपी टेट या सी टेट उच्च प्राथमिक स्तर का अगर आपने क्वालिफाई किया है तो इसके लिए एलिजिबल हैं आप। सैलरी की बात करें तो फुल टाइम टीचर के लिए 22,000 रुपये सैलरी यहाँ पर बताई गई है। एज क्राइटेरिया जो है 25 से 45 वर्ष है। फॉर्म आपको कैसे भरना है? फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भरना है। इसके लिए आपको अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट होती है वहाँ पर जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर इसका आपको फुल नोटिफिकेशन मिलेगा, या बेसिक एजुकेशन की जो वेबसाइट होती है उस पर आपको चेक करना होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अभी इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है या फिर नहीं किया गया है, ठीक है। और पूरा प्रोसेस हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या प्रोसेस करना है। यहाँ पर हिंदी विषय के लिए अगर आप जा रहे हैं तो स्नातक के अंतिम वर्ष में हिंदी अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी संस्कृत विषय के साथ स्नातक की उपाधि हो और जूनियर लेवल का आपने टेट पास किया हो तभी आप इसके लिए मान्य होंगे। अब यहाँ पर आप में से लोग अलग अलग अगर हमसे पूछेंगे कि सर इस डिस्ट्रिक्ट में आई है कि नहीं आई है तो हम नहीं बता सकते, आपको चेक करना होगा इसके लिए, ठीक है। आपको इसके लिए चेक करना होगा, और इसके लिए फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो स्कूल होते हैं ये कह सकते हैं कि बालिका, इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही पढ़ते हैं, इसलिए टीचर जो होंगे वो भी फीमेल ही होंगे। आवेदन पत्र जो है वो आपको वेबसाइट से जा करके डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, उसको भर करके जो उस पर पता दिया होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट की आपकी वैकेंसी होगी उस पर आपका पता दिया होगा, उसी पर आपको पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना है। इसके अलावा 4,500 रुपये टिकट लगा करके 3 लिफाफे भी भेजने हैं। आयु हमने बताया 25 से 45 वर्ष। इसके अलावा जो आरक्षण मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अभी जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से लखनऊ, हाथरस, बागपत, बाराबंकी इन ज़िलों की वैकेंसी आ चुकी है, और कुछ ज़िलों की वैकेंसी अभी जल्द ही देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप सिंपल है क्या करें, वेबसाइट देखते रहें। लखीमपुर, कुशीनगर, कन्नौज, हाथरस की भी वैकेंसी आ चुकी है, बदायूं की भी वैकेंसी आ चुकी है। आपको वेबसाइट पर जाना है और वहीं से आपको सारी जानकारी मिलेगी, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि या सीटेट वाले डाल सकते हैं, बिल्कुल सीटेट एलिजिबल है इसमें, लेकिन उच्च प्राथमिक का, प्राइमरी का नहीं, उच्च प्राथमिक वाला जो सीटेट है वो मान्य होगा। अगर जूनियर सीटेट आपने क्वालिफाई किया है, अन्य अर्हताएं जो हैं अगर आप वो पूर्ण करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। फॉर्म कहाँ से मिलेगा? तो देखिए हमने आपको बताया, फॉर्म आपको इसकी वेबसाइट से जा करके डाउनलोड करना होगा, अपनी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से जा करके डाउनलोड करना होगा, ठीक है। इसके अलावा डीएलएड वाले यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं स्कूल में, बिल्कुल भाई काम करना होगा। कुछ कमेंट आ रहे थे, इंदु इंदु अमरीश ने कमेंट करके पूछा था, फुल टाइम जॉब बिल्कुल होगी, और बीएड वाले भर सकते हैं बिल्कुल, जूनियर सीटेट क्वालिफाई हैं भर सकते हैं। फॉर्म कहाँ मिलेगा, ऐसे कई कमेंट आए थे। डीएड के लिए, डीएलएड के लिए भी मौका नहीं है। वाराणसी के लिए और अदर स्टेट के लिए, अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए आप चेक करते रहिएगा, डाउनलोड आपको करना होगा वेबसाइट से इसका फॉर्म, संविदा पर है, परमानेंट नहीं है। और हम आपके जो उत्तर दे रहे हैं ये कमेंट में देख करके दे रहे हैं कि आप लोग क्या पूछ रहे हैं। मैनपुरी के लिए आपको मैनपुरी की वेबसाइट पे जा करके देखना होगा। बुलंद देखिए, जो भी जिस भी स्टेट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, बार बार स्टेट आ रहा है, जैसे आप कानपुर से हैं तो कानपुर की वेबसाइट है kanpur.nic.in, वहाँ पर जाइए और देखिए इससे संबंधित अगर कोई है नोटिस तो है वैकेंसी, नहीं है तो मान करके चलिएगा, अभी आपको वेट करना होगा और चेक करते रहना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और यहाँ पर एक लिंक बन करके आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देखिएगा, उसमें सारी जानकारी बताई गई है।